इन शब्दों का प्रयोग किया था, कहिए तो कर दो, चारा छोलो भैंस पालो, ये तक भी उन्होंने बोला था, पर कहना नहीं चाहता। वो हमारे आदरणीय है, सांसद है, रीवा जिले की जनता ने उन्हें बनाया है, बशर्ते ये शब्द उनके थे। फिर जब ये 670 करोड़ से रेल लाइन, हम तो पत्र नहीं ले आए, कहिएगा तो हम आपको पत्र अपना दिखा देंगे। जो ये पत्र भेजा गया था उसमें हम 670 करोड़ सर्वे के लिए निर्धारित करते हैं और समय समय पर इसकी जानकारी देते रहे, उस समय में विधायक था। आपको ये भी बात मालूम होगी कि जनार्दन मिश्रा जी सांसद थे, जब नए नए सांसद बन करके रीवा से लेकर के हनुमना तक उन्होंने दौरा किया, तो हमारे मऊगंज के लोगों ने उनसे ये कहा कि सांसद जी आप रीवा मिर्जा, आप तो आप सांसद हो गए हैं, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात आप जरूर करिएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस टाइम कहा था, लगभग लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सपना 50 साल देखने के बराबर है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल बात मत करिए और आप लोग छोटे मोटे जो काम है इसी से अपना काम चलाइए। मैं तो जो उन्होंने और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यहीं कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी गया। और मुझसे भी पत्रकार साथियों ने, आम जन लोगों ने पूछा था कि अगर भाई देवे 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाएगा या फहराया जाएगा तो उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग होगी, तो मैंने ये बात कही थी कि अगर झंडा नहीं फहराया जाएगा तो हम 16 अगस्त को अगस्त क्रांति करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। और अगर 15 अगस्त को झंडा इज्जत सम्मान के साथ फहराया जाता है तो हम 50,000 जनता जनार्दन और जो भी छोटे मोटे संगठन, थोड़ी बहुत भी, आप सब भी जितने लोगों ने सहयोग गाहे बगाहे मऊगंज जिला बनने में करा है, आप सबका स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 तारीख को मऊगंज के उसी ऐतिहासिक जनपद ग्राउंड में रखा गया है और उसी में सभी संघर्ष करने वाले सभी साथियों का उसमें जो है सम्मान समारोह किया जाएगा और मैं आप सबको भी उसमें आमंत्रित करता हूं, तहे दिल से आप सब आए। भले आप लोगों का जिला रीवा हो गया और हमारे नए पत्रकार साथियों का जिला मऊगंज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज जो है तो मऊगंज में पत्रकार वार्ता के लिए आए मेरे आमंत्रण पर, उसी तरीके से आप सब 22 तारीख को सहृदय से आमंत्रित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहां पर आप सब आएंगे। और इसके अलावा भी उस कार्यक्रम के बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी तमाम तरह की समस्याएं बनी हैं, सिर्फ जिला बन जाने से अभी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अभी तो जब तक युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पर कोयला आएगा, कोयला तब आएगा जब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आएगी, इसलिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ऐसे मुद्दे, बाण सागर का पानी हमारा मिशन अधूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं हो पाया है, किसानों के लिए मुद्दा और इन सब तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और ज्ञापन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारा मऊगंज क्षेत्र आने वाले समय में एक समृद्ध मऊगंज के रूप में हो, यही हम सबका मकसद है, यही आप सबके बुलाने का मकसद है। आप सबने, आप सब आए, इसके लिए आप सबका सहृदय से धन्यवाद। भाई हमने कहा युवाओं के लिए रोजगार, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, बाण सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है, 100-100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है, कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, इस समय 5,000 रुपये बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए सारी बातें। आप लगातार मऊगंज को जिला बनाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो बीजेपी ने आपसे छीन लिया है, तो क्या आपको लगता है कि जो
2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं क्या है? देखिए ऐसा, ये बात तो आपको घूम करके देखना चाहिए कि क्या है जनभावना, क्या है जनभावनाओं को देख करके तो जिला उनको घोषित करना पड़ा। रही बात चुनाव, हम जितने कार्यक्रम करते हैं चुनाव का मकसद लेकर के हम कभी नहीं करते। हमको ये लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ त्योथर से मऊगंज के लिए एक चौरा घाट का रास्ता था, जब मैं विधायक था उसको मंजूर कराया। सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, सिविल अस्पताल मैंने अपने रिजीम में मंजूर कराया, जिले की लड़ाई लड़ता था। जब मुझे यह लगता है इस चीज़ की नितांत आवश्यकता है, उस बात की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वोट अलग है, राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अब मैं समझता हूँ कि मऊगंज की जनता जनार्दन इस बात को समझती है, और 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, कोई ऐसा वैसा नहीं। तो मेरा अकेले का वो नहीं है कि नहीं मैं अकेले जिला के लिए लड़ाई लड़ा, 50,000 लोगों ने तो मेरे साथ अकेले लड़ा, उनके कारण जिला बना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। देखिये, हम चुनाव को चुनौती मानते नहीं, ये मऊगंज की जनता को जो अच्छा लगेगा वो करे। हमारा जो काम है, जो मुझे दिखता है, अगर मैं लगभग 28 सालों से मऊगंज क्षेत्र में रह करके, जब से मैं कॉलेज से निकला रह करके संघर्ष कर रहा हूँ आम जन के लिए, हर मुद्दे पर खड़ा हूँ। गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, जो भी हो, जरूरत जिसने समझी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अपने क्षेत्र की तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ा हूँ। तो मैं उनको सारी चीज़ चुनौती मानता हूँ, छोटा सा छोटी बात के लिए उसको भी चुनौती मान करके लेता हूँ, बड़ी से बड़ी बात के लिए चुनौती मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जनसेवा में के रूप में आया और जनसेवा के रूप में हूँ, आगे भी जनसेवा मेरी चुनौती है। आपको चुनाव आने वाला है 2023 में, इसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता की? देखिए, चुनावी मुद्दा तो हम आपको बता ही रहे हैं भाई, जिला बन जाने से समस्या का निदान तो हुआ नहीं भाई। ट्रांसफार्मर 40-40 तो जले हुए हैं, यहाँ पे केबल झूल रही हैं, लाइट मिल नहीं रही है, ये इतनी बड़ी चुनौती है कि मैं आपसे क्या। शिक्षा का स्तर इतना बुरी तरह से चौपट हो गया, मैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, ये मैं आपको पहले ही बताया। और किसानों की समस्या, आवारा पशु पूरी में और फसल चल रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा का स्तर चौपट है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बात करेंगे। आप मुनमुना क्षेत्र से आते हैं और मऊगंज के विधायक रहे हैं, एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि कुछ कार्यालय जिले के हनुमना में हो, इस विषय में आपकी क्या पहल होगी? बिल्कुल हनुमना में होना चाहिए, और मऊगंज मैं समझता हूँ कि जिले की व्यवस्था करने के लिए हनुमना की जगह लेनी पड़ेगी, ये कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम 40% कार्यालय वहाँ होने चाहिए और 60% कार्यालय यहाँ होने चाहिए, तब समुचित रूप से व्यवस्थाएं बनेगी। लेकिन वर्तमान शासन प्रशासन जिले के सारे कार्यालय मऊगंज से लगे हुए एरिया में देना चाहता है, और तर्क यह है कि वो हनुमना तहसील में लगता है। ठीक है, तहसील लगता है, तहसील तो मऊगंज भी रहेगी, क्या मऊगंज तहसील समाप्त हो जाएगी क्या? 3 तहसील में ला करके तो जिले है, आपकी नई गढ़ी तहसील है, आपकी जो है तो मऊगंज तहसील है, आपकी हनुमान तहसील, कोई मुद्दा नहीं है कि तहसील है तो वहाँ कार्यालय जिले के नहीं। उनका कहना देखिए क्या है, स्वाभाविक है, क्या जिला बनाना चाहता था क्या शासन प्रशासन क्या जिला बनाना चाहता था? अगर जनता जनार्दन का दबाव नहीं होता तो जिला नहीं बनता। उसी तरीके से जनता जनार्दन का दबाव रहेगा तो 40% कार्यालय हनुमना को देना पड़ेगा, 60% मऊगंज में रखना पड़ेगा। ये मुद्दा आपका रहेगा? ये मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्था है, वो तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं मऊगंज घोषणा किया कि अब बाद से जिला बना दिया, शपथ दिलाई यहाँ के लोगों को, कहा कि हम तो जिला बना रहे हैं, लेकिन तुम सब भी शपथ खाओ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार और शिवराज सिंह का साथ दोगे और एक बार फिर से सरकार बना दोगे, जनता। देखिए ऐसा है, अकेले कोई व्यक्ति होता तो मैं उनसे मनसा पूछ लेता कि आपकी मनसा क्या है। हम ये जानते हैं कि 50,000 लोगों ने लास्ट में मेरे साथ गिरफ्तारी दिया, इसके पहले और भी जेल भरो आंदोलन हुए, और ये भी मऊगंज की जनता जानती है कि शिवराज सरकार ने मजबूरी में जिला बनाया, कोई अपनी इच्छा से नहीं बनाया। शिवराज का बस चले तो सारा तंत्र तो ही भोपाल से चलाएं,
वो तो सिर्फ भोपाल से चलाना चाहे, बिदसा का आदमी क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आना चाहेगा जहाँ सच्चाई है। ये तो मऊगंज वासियों ने सब लड़ करके लिया है जिला। देखिए ऐसा है कि हम ये नहीं कहते कि एक दिन में सारे काम यहाँ से होने लगेंगे, ये समझने का विषय है। हम कहते हैं महीना, 15 दिन, 2 महीने में व्यवस्थाएं होगी और हो जाएंगी, इतना हमें भी समझने की जरूरत है। बड़े नेता भी शामिल होंगे कांग्रेस के, किन किन लोगों को जगह मिलेगी इस आपके सम्मान समारोह में? देखिए हमारे सम्मान समारोह में एक्चुअली में 22 तारीख कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का कार्यक्रम लगा हुआ है आपके सागर में, उनका कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, अचानक से फिर किसी कारण बस कैंसिल हुआ था, फिर 22 को लग गया। लेकिन फिर भी हमारे बीच में हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हम सबके आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और जिले के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे, राजमणि पटेल जो हमारे राज्यसभा सांसद है वो रहेंगे और भी देखेंगे फिर आगे क्या। सर वर्तमान विधायक मंचों से कई बार वादे किए हैं कि यहाँ रोजगार लग रहा है, युवाओं की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, सबको कहीं कमाने के लिए सूरत मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, तो सिर्फ ये धरातल पर भी कुछ दिख रहा है कि सिर्फ मंचों से वादे किए जा रहे हैं? अभी उनके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, ये जरूर जानते हैं कि मनियोवा से यहाँ कमाने खाने आए थे खुद। अभी आपने चौरा घाट का मुद्दा आया है, चौरा घाट का काम पुनः एक बार रुका हुआ है, जबकि चौरा गाँव में पहुँच करके और थोड़ी सी दूरी रुक गई है, उसके लिए। देखिए क्या है कि जब मैं विधायक था तो अधिसूचना लगने के 2 दिन पहले हमने उसका उद्घाटन किया और काम भी शुरू हुआ, काम संचालित भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं चुनाव हुआ, फिर नए विधायक जी आए और इस समय आप जानते हैं पूरे प्रदेश में 50% कमीशन खोरी का विषय चल रहा है, हर जगह सारे ठेकेदार भाग जाते हैं, ये स्थितियाँ बनी जिसके कारण अभी तक काम अटका हुआ है। आप देख लो सिविल अस्पताल की क्या हालत है, आधी अधूरी इसी तरह से पड़ी है, लोकार्पण की होड़ लगी, उसी तरीके से आपके चौरा घाट की बात हो गई। एबब की मांग, राष्ट्र की मांग को लेकर के वो काम रुका हुआ, इस विषय में आपने मुद्दा क्या उठाएंगे? देखिए क्या है कि हमारे मुद्दे तो सदैव उठते हैं भाई, जब हमने कहा देखे चौरा घाट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेगी आपसे। चौरा घाट में हमने 3 बार जब प्रयास किए तब चौरा घाट के लिए 17 करोड़ रुपए मिले, काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को जानबूझ करके रुकवाया गया। और जब रुकवाया गया, क्यों रुकवाया गया, बोले कि पैसा तो भले मिल गया फॉरेस्ट की जमीन का, लेकिन जमीन के बदले जमीन चाहिए, इसलिए काम रुका। फिर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी उसमें हमने जो है तो जमीन भी दिलाई, जमीन मिला फिर काम शुरू हुआ, लेकिन इतने दिन हो गए कि ठेकेदार उसमें पैसे के लिए रस गए। अब वहां पे एबब, अब आप समझ रहे हैं आगे हमने 50% पहले बोल दिया, उसी का झगड़ा हर जगह चल रहा, इसीलिए नहीं अब तक काम हो गए। जैसा कि आपने कहा कि सभी क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जिला बनने की भी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो आप लोगों के बीच में चुनाव आ रहा है, नजदीक है, तो कैसे जाएंगे कि जिला बनने के, जिला बनाने के लिए हमने भी संघर्ष किया? भाई देखिए मैं कोई बाहरी व्यक्ति तो हूँ नहीं कि कैसे जाएंगे, हम तो यहीं के लोकल आदमी हैं, सब जानते हैं कि हमने क्या किया, जनता ने क्या किया और लोगों ने क्या किया। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी, सत्ता सौंपी उनसे छीना गया, अब अंग्रेज गए, आप समझ गए ना, क्या ये मानेंगे कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने दी क्या? सेम मऊगंज की लड़ाई उसी तरीके की थी, यहाँ की जनता ने हमारे नेतृत्व में सत्ता वापस, सत्ता ली, जिला लिया, समझ गया अपना, हमें बताने की जरूरत इस मुद्दे पर नहीं। हमने आपसे पहले ही कहा कि उमरिया आप देख रहे हैं, यहीं से देखिए, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है, यहाँ से अनूपपुर, हमने दोनों जिले देखे, वो भी मऊगंज की स्थिति में है, लेकिन वहाँ रीवा मिर्जा, वहाँ रेलवे लाइन है, जब कोयला जाता है 25 तरह के रोजगार उपलब्ध हुए। यहाँ देश से लेकर के प्रदेश तक, मोदी से लेकर के शिवराज तक सरकार, सांसद से लेकर के विधायक तक सरकार, चाहते तो रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मंजूरी हो जाती है, बात की नहीं केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं जो मेन जरूरी चीज़ थी। अब हम लोग इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तब जाकर के रोजगार मिल पाएगा, रोजगार तभी मिल पाएगा जब यहाँ कोयला आएगा, जब कोयला आएगा तो सारी चीज़ें रोजगार के लिए कुछ न कुछ नए अवसर आएंगे। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस सचिव राममण द्विवेदी ने यह बात कही है कि अगर कांग्रेस में टिकट देती तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा,
किस लहजे में आप देखते हैं, जबकि अभी तक निर्विवाद रूप से प्रत्याशी माने जा रहे थे? देखिए ऐसा है, ये तो आप भी कह सकते हैं कि अभी तक हमने पत्रकारिता की और टिकट हम टिकट मांगना स्वतंत्रता है, ये कोई स्वतंत्रता दिवस के दिन कोई स्वतंत्रता की बात करे तो कौन सी बुराई है। हाँ, निकट भविष्य में कोई ऐसी आपकी योजना जिससे मऊगंज को ये पता चले कि जिला बनने में आपका क्या योगदान, कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करने की भाई? हमने बताया तो कि अभी तो सम्मान समारोह ही का कार्यक्रम 22 अगस्त को रखा गया, आप सब आमंत्रित हैं उसमें, आप सबको भी प्रशस्ति पत्र मिलेगा, यही सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद फिर आगे और देखेंगे क्या कैसा हो सकता है। ये रीवा मिर्जापुर से रेल लाइन, हम तो पत्र नहीं ले आए, कहिएगा तो हम आपको पत्र अपना दिखा देंगे। जब मैं उस टाइम विधायक था तो हमने एक पत्र लिखा था, सुरेश राम प्रभु थे उस समय मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री थे, और एक जबलपुर जोन को, वो पत्र मेरे पास आया है और उन्होंने कहा कि ये आपने जायज़ मांग उठाई है, निश्चित रूप से समय आने पर इसका इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद जब मार्च का बजट आया था तो फिर मेरे पास दूसरा पत्र आया और उन्होंने ये कहा कि आपके द्वारा जो ये पत्र भेजा गया था उसमें हम 670 करोड़ सर्वे के लिए निर्धारित करते हैं और समय समय पर इसकी जानकारी देते रहे। उस समय मैं विधायक था, आपको ये भी बात मालूम होगी कि जनार्दन मिश्रा जी सांसद थे, जब नए नए सांसद बन करके रीवा से लेकर के हनुमना तक उन्होंने दौरा किया तो हमारे मऊगंज के लोगों ने उनसे ये कहा कि सांसद जी आप रीवा मिर्जा आप सांसद हो गए हैं, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात आप जरूर करिएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस टाइम कहा था, लगभग लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सपना 50 साल देखने के बराबर है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल बात मत करिए और आप लोग छोटे मोटे जो काम है इसी से अपना काम चलाइए। मैं तो जो उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, कहिए तो कर दो, चारा छोलो भैंस पालो, ये तक भी उन्होंने बोला था, पर कहना नहीं चाहता, वो हमारे आदरणीय है सांसद है, रीवा जिले की जनता ने उन्हें बनाया है, बशर्ते ये शब्द उनके थे। फिर जब ये 670 करोड़ का आया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंदर अंदर लगा था, ये शब्द उनके थे मेरे नहीं। अब और ये मैं अधिकांत रिकॉर्ड आपसे बात इस मुद्दे पर करूँगा जब आप चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि ये विचार की बात है, अब तो जिले का काम लगभग पूरा के बराबर है, अब स्वाभाविक है कि हमको भी तो कुछ बड़ा काम करने का अवसर आगे चाहिए ही, समझ गए आप ना। अब हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे संगठन लगे हुए हैं, जिस तरीके से पूरे ताकत से जिला की लड़ाई लिया लड़ा और जिला लिया, हो सकता है भविष्य में बिंध तो हमारा 1956 का अस्तित्व है, 1956 का अस्तित्व है, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज नहीं तो कल उसे भी ले लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्या है, बिंध प्रदेश के हम निवासी, 1956 में बिंध था, रीवा हमारी राजधानी थी, वो तो हमें लेना ही चाहिए। अब आने वाले समय में देखिए, हम कोई मुद्दा उठाते हैं 10 साल में मिलता है, 2010 में 11 में इसी मऊगंजन पर प्रांगण में मैंने जो है तो जिले की बात उठाई थी, 2022 में जिला बना, 2023 में 11 साल में। चलिए आप बिंध की बात किए हैं, आगे देखेंगे कितने साल लगते हैं। देखिए क्या है, श्रेय लेता रहे कोई, हमें श्रेय नहीं चाहिए, वो तो लोकार्पण करने पहुंच जाते हैं, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, चौरा घाट करने, उनको तो श्रेय लेना चाहिए, जितने यात्री प्रतीक्षालय लगे हैं उनका श्रेय लेना चाहिए, जितने मऊगंज क्षेत्र में चले जाइए चारों तरफ यात्री पर, उनमें कहीं झंडे नहीं लगे, पता नहीं क्यों उसमें भी झंडे लगने, उसका श्रेय लेना चाहिए कि इस समय मऊगंज यात्री प्रतीक्षालय से भरमार। मऊगंज को जिला बनाने का आपका एक बड़ा सपना पूरा हुआ है, मऊगंज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या देख रहे हैं? यही मैंने बताया, मैं यहाँ का किसान पीड़ित है, उसे तो बाण सागर का पानी मिलना चाहिए और हिंदुस्तान में किसानों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाद चाहिए। और कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी करी थी और 100 रुपये बिजली का बिल दिया था, समझ गया। तो हमारा ये कहना है कि सर्वप्रथम तो किसानों के लिए शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हो गया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिक्षा गारंटी की स्कूल टोलों और मजरों में खोली थी, लेकिन दुर्भाग्य से सारी स्कूलें तोड़ दी गई, शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हो चुका है। और तीसरा आप समझे युवाओं को रोजगार, मैं बार बार
चार बार यहीं पर बोल चुका कि युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब हमारा रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सफल होगा, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब मेरे हम सबके मुद्दे होने चाहिए। और बिजली की समस्या तो आप देख ही रहे हैं, कोई बताने की जरूरत है। 40 ट्रांसफार्मर चले हैं, JEE कहते हैं 6 महीने के अंदर 3 लगा देंगे, 5 में ऐसी चलिए मैं सामने आपके करता हूँ ये स्थितियाँ। JEE और D से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। कोई भी बिजली का बिल सुधार होता था पहले JEE कर देता था, आज की डेट में वो कहते सी के अलावा कोई नहीं कर सकता, इससे पूरी जनता परेशान है। देखिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है, सिर्फ बजट कर्ज ले करके सरकार जिंदा है, और नारी और लाडली बहना में पैसे दे करके वोट लेना चाहती है। ना आपको ट्रांसफार्मर मिलेगी, ना आपको बिजली मिलेगी, ना आपको खाद बीज मिलेगा, ये अनवरत चलेगा जब तक नई सरकार नहीं आएगी तब तक। क्यों नहीं कौन कहता नहीं उठाते हैं, आप तो यहाँ के पत्रकार हैं, आप तो ये ना बोलिए, आप तो जानते हैं कौन सा बिल्कुल जो अब कितना जोरदारी से उठाया तो जिला बन गया, आप कितना जोरदारी से चाहिए भैया। पूरी तरह से सहयोग है, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, जबरदस्ती डिवाइडर बनने लगा ये सहयोग किया, उसका परिणाम आप देख लो, इसी तरीके से तो सहयोग चल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि हम लोगों का तो हर तरह सहयोग है, कोई काम में रुकावट नहीं, काम हो सारे काम हो, और जितना अच्छा से अच्छा काम हो। क्या हम लोग बोलते हैं कितने यात्री प्रतीक्षालय क्यों लगे, कभी नहीं बोलते भाई चलो यात्री प्रतीक्षालय से ही सहयोग है ना।